गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता समाजसेवी और एडवोकेट स्वर्गीय अशोक कुमार पांडे की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय हित में अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन शुक्रवार को सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में सहजनवा के विधायक शीतल पांडे, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे, मंत्री प्रियानंद सिंह, आलोक कुमार पांडे, राहुल कुमार पांडे सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। विचार गोष्ठी के आरंभ में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय अशोक कुमार पांडे के चित्र के समक्ष माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने स्वर्गीय अशोक कुमार पांडे के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय हित में अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर अपने विचार रखे। अपना फर्ज समझा, उसका नाम अशोक पांडे। हम लोग तो उनसे विद्यार्थी जीवन से जुड़े थे, एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे मित्र की तरह उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। जिसकी कोई ना सुनता हो, जिसके लिए कोई ना खड़ा होता हो, उसके लिए खड़े होने में वो गर्व का अनुभव करते हैं। आज इस समारोह के मुख्य अतिथि भाई शीतल पांडे जी भी उसी दौर के, उसी जमाने के लोग हैं। किसी को उनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके इस पुत्रों को इसी तरह का हमेशा मार्गदर्शन देते रहें, कि वो कुछ सत्कार्य करते रहें और उनके बताए रास्ते पे चलते रहें। आज का दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक दुख का दिन होता है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे प्रिय मित्र ने हमारा साथ छोड़ा था। कहने में थोड़ी सी गले को तकलीफ होती है कि उस दिन प्रातःकाल की चाय हम लोगों ने साथ ही पी, मेरे घर से ही वो गए थे। तो उसके बाद मैं एक मुकदमे में बाहर चला गया और उस दिन ये दुर्घटना हो गई। मैं उनको सब सब प्रणाम करता हूँ। आज का जो विषय है वो बड़ा समीचीन है भाई अशोक कुमार पांडे जी के। राष्ट्रहित में अधिवक्ताओं की भूमिका, आज के जमाने में बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, सुनने में आनंद भी आता है। वो मेरे मित्र रहे, और 56 इंच के सीने की कहानी अशोक कुमार पांडे चरितार्थ करते। किसी भी गरीब के साथ, किसी भी छात्र के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं अन्याय हो रहा हो और संजोग से जब अशोक कुमार पांडे वहां उपस्थित है तो अन्याय नहीं होगा, यह उनका चरित्र था। और अपने उस चरित्र की रखवाली में ही उस काल के काल में समा गया।